लगता है राखी के बच्चे, राखी के पोते पोतियां भी बिग बॉस जाएंगे? ये रश्मि और देवो का सरकारी जॉब लग गया उसे, मुझे लग रहा है। तो मैंने देखना बंद कर दिया था, पर जैसे पता राखी के हस्बैंड आए हैं तो फिर एक इंटरेस्ट जाग गया। बहुत कम यार, आई थिंक बिग बॉस 15 सभी लोग कम फॉलो कर, आप लोग कर रहे हैं? अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बट ज्यादातर ऑडियंस इस बार बिग बॉस 15 देख नहीं रही है। मुझे लगता है राखी के बच्चे, राखी के पोते पोतियां भी बिग बॉस जाएंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज आई थिंक जब तक बिग बॉस रहेगा, जब वो कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ऐसा रहेगा, तो आई थिंक जब तक बिग बॉस रहेगा राखी सावंत अंदर जाती रहेंगी, और कभी हस्बैंड, कभी सेकेंड थर्ड फोर्थ हस्बैंड जो भी आएंगे वो जाते रहेंगे। मेरा मन करता है मैं कुंद्रा को लपड़ मार दूँ, क्योंकि मुझे जलन होती है उससे, बिकॉज इनफैक्ट मैंने उसको बोला भी था व्हेन ही वाज गोइंग इनसाइड। सो आई हैव डन अ शो कॉल्ड टीपीएल विद तेजू, एंड तेजू इज वेरी क्यूट, सभी लड़कों को तेजस्वी बहुत क्यूट लगती है। तो ये मेरे साथ हमेशा होता है, जब मुझे कोई लड़की क्यूट लगती है तो कोई और लड़का वहाँ आके लाइन मारने लग जाता है। जैसे रूबीना तो खैर अभिनव के साथ ही घुसी थी तो कोई चांस नहीं था, जैस्मिन से उम्मीदें थी लेकिन अली मेरा भाई था तो वहाँ भी कुछ हो नहीं सका। अब यहाँ उम्मीद थी, यहाँ करण कुंद्रा बीच में घुस गया, तो मतलब मेरा मुंह तोड़ने का मन कर रहा है उसका। ओके, सो आपको लगता है कि करण कुंद्रा फेक कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि फेक कर रहे हैं, बिकॉज फेक लोग कर रहे थे जिसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया, पर अब वो लोग बाहर हैं। एक बंदे का नाम लेना चाहूँगा ज़रूर, मतलब उसने सरप्राइज़ किया, उमर। हम सब इंडस्ट्री के हैं, हम लोग को पता होता है कि कैसा प्रेशर होता है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे काम करना है। एक आउटर वर्ल्ड का आया वो बंदा और छाप छोड़ के जाएगा। उमर तू जीत या हार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छाप छोड़ के जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, और तू याद रखा जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि आसिम ने बहुत सारा टिप लिया रहेगा उनको? अरे बिग बॉस में किसी का टिप ना चलता, ना आसिम ना किसी का। देखो टिप तो सभी लेके जाते हैं, यार तुम कितने दिन तक फेक हो सकते हो बताओ? 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 महीने, 60 दिन, कितने दिन फेक होगा? नहीं होगा। ये रश्मि और देवो का सरकारी जॉब लग गया उसे, मुझे लग रहा है। मिट्टू सॉरी यार, देवो सॉरी यार, लेकिन सच में और राखी पुतिन बन के बैठ गई है। राखी का तो राखी के हस्बैंड क्या, राखी के पोते पर पोते सब आएंगे बिग बॉस में, जब तक बिग बॉस चलता रहेगा आई थिंक हर साल घर में खुलासा भेजा जाएगा। लेकिन राखी एक्चुअली में बहुत मजेदार है, जैसा उन्होंने लास्ट सीजन किया ना, तो मतलब उसके बाद उन्होंने मतलब तबाही मचा दी। तो राखी लव यू, राखी गई है, राखी शो, ओह दैट्स नॉट बिग बॉस, दैट्स राखी शो, पति उठा दे वो उसके असली, वो उसके असली के पति हैं क्या? वो सब छोड़ो, बट दैट्स अ राखी शो, दे शुड चेंज द नेम टू राखी शो, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ राखी दैट बिग बॉस पे तो नहीं भेजे। आई थिंक बिग बॉस मोर देन बिग बॉस पीपल नो इट एज राखी शो नाउ, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। नहीं मतलब बीच में मैंने देखना बंद कर दिया था, पर जैसे पता राखी के हस्बैंड आए हैं तो फिर एक इंटरेस्ट जाग गया है। नहीं मेरा लाइक मैं भी देखना चाहता था कि किन्होंने राखी से शादी किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, राखी से शादी की है। मैं बोल रही हूँ आप पूछना चाहेंगे कुछ? शादुल के बर्थडे के लिए क्या? I have no idea. Okay. Thank you so much. Thanks.